अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं और सब ठीक है? अल्लाह ताला सबको खुश रखे, आबाद रखे, अपने ज़ुबान में रखे। तो आज हम बहुत सिंपल सी लेकिन बहुत ही मज़ेदार सी रेसिपी लेकर आए हैं। तो मैंने सोचा चले हम बनाने लगे तो अब आपके साथ भी शेयर करते हैं। तो चले शेयर करते हैं, फिर आप इंग्रेडिएंट नोट करें। तो आज हम बनाने लगे हैं सूप मैक्रोनीस, ठीक है? तो नूडल्स वाली खाई होगी आपने वैसे, तो हमने सोचा चले ये करते हैं ट्राई, आज थोड़ा सा चेंज। तो चले फिर स्टार्ट करते हैं, इंग्रीडियंट नोट करें। और लेकिन उससे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, बेल आइकन को जरूर प्रेस किया करें ताकि जो भी हमारी वीडियो आए वो आपको मिले। तो प्लीज़ कमेंट्स में अच्छा अच्छा लिखा करें और वीडियो पूरी देखा भी करें। तो चले फिर इंग्रीडियंट नोट। ओके व्यूअर्स, तो ये देखें, सबसे पहले ये कि मेरे पास ये चिकन है बोन वाला, ये इसमें जाएगा। और ये एक चिकन क्यूब्स है, आपके चाहें तो चिकन पाउडर भी डाल सकते हैं इसकी जगह। और ये दो तीन ये लहसुन है, तो ये मैं इसमें डाल के तो इसको ऊपर चढ़ा। ओके व्यूअर्स, तो ये लहसुन इसमें मैं सारा डाल दूंगी और ये जो चिकन है इसको डाल दूंगी ऐसे, क्योंकि इसको हमने गलाना है तो इस वजह से मैं ऐसे ही इसको वॉश कर लिया अच्छी तरह से। तो अब इसको जो है ना इसमें गलने के लिए छोड़ देते हैं, साथ ही एक चिकन क्यूब्स इसको भी डाल देंगे। और साथ में ब्लैक पेपर डालूंगी थोड़ी सी, ब्लैक पेपर इसमें मैं डाल रही हूँ जैसे कम ज़्यादा कर सकते। सॉल्ट है, सॉल्ट आपको पता है जैसे। तो मैक्रोनीस का ये है कि ये मैंने बॉयल कर ली थी ताकि टाइम बच जाए ना, तो इसको मैंने बॉयल करके रख लिया। और साथ मुझे चाहिए ये टमाटर प्यूरी है मेरे पास, ये है और ये बंद गोभी कहते हैं ना इसको, हाँ वो है। और ये कैरेट है और एक आलू है और ये प्याज है। तो ये सारी चीज़ें मैं कट करती हूँ फिर मैं आप। सब ये जो मैंने वेजिटेबल कट की है वो ओके भी, तो अब ये जो वेजिटेबल है वो मैं साथ डालूँगी इसलिए कि चले वो भी साथ कर जाएगी ना, तो इसलिए। आप अपनी मर्ज़ी से कोई भी वेजिटेबल और डाल सकते हैं, मेरे पास यही अवेलेबल थी तो मैंने ये डाल लिया। आपको अगर कोई और पसंद हो तो वो डाल सकते हैं। अब ये चिकन हमारी गल जाएगी तो मैं इसको निकाल के तो इसकी बोन्स जो है ना वो निकाल लूँगी, बस यही करना है और कुछ नहीं। वैसे देखिए ये मैंने इसको पीसीज में बोन्स जो है ना इसकी उतार के, तो ये मैंने इसको जो है इसकी हड्डियाँ निकाल के तो ये पीसीज में कट कर लिया। इसी तरह से आप उसकी हड्डियाँ निकाल दें, बाकी ना भी करें तो वो अपनी मर्जी है। तो इसलिए मैंने ये बताना था कि ये मैंने इसको किया, ठीक है। चलो तो ये मैं देखिए इसमें सोया सॉस डाल रही हूँ, ठीक है, चिली सॉस डाल रही हूँ एक टेबल स्पून। ओके व्यूअर्स, तो ये मैंने जो काटी थी बंद गोभी वो यहाँ पर ये भी डाल दी उन्होंने डाल। तो यहाँ पे अब हम मैक्रोनीस डालते हैं जो मैंने बताया था कि मैंने बॉईल करके रख ली थी, ठीक है। ओके फिर से यहाँ पे मेरे पास टमाटो प्यूरी है, मैं वो डाल रही हूँ इसमें, ठीक है। तो यहाँ पे देखें ये कॉर्नफ्लोर है, एक टेबल स्पून मैंने डाला है। तो इसमें थोड़े से पानी के अंदर, ये आप अपनी मर्ज़ी से डालना चाहे तो डालें, ना डालना चाहे तो ना डालें। आप सासा इसको ना हल्का हल्का सा हलाते रहें, इसमें एग नहीं डाल रही मैं, तो बस ये थोड़ा सा डाल देंगे, ठीक है, अपनी मर्ज़ी से आप कम ज़्यादा कर सकते हो। ओके व्यूअर्स, तो ये देखिए ये हमारे बन गई मैक्रोनीस नूडल्स सूप, बहुत मज़ेदार सा, बहुत टेस्टी सा। तो चलें अब इसे सर्व करते हैं। मज़ेदार से हमारा मैक्रोनी सूप, ये देखिए बहुत मज़ेदार, बहुत टेस्टी बन गया। तो ओके व्यूअर्स, ये बन गई हमारी मज़ेदार सी मैक्रोनी सूप, बहुत ही मज़ेदार टेस्टी सा हमने बना लिया। अब आप ये ऐसे बनाएं, खाएं, खिलाएं, इंजॉय करें। दुआ में याद रखें, हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, बेल आइकन को प्रेस किया करें और वीडियो पूरी देखा करें। और उसके अलावा ये कि हम आपके लिए अच्छी अच्छी सी रेसिपी लाते हैं, सिंपल सी जो घर में नॉर्मली हम बनाते हैं, मैं उसको आपके साथ शेयर करती हूँ। आप सबने हमारे साथ बहुत तारीफ की आगे भी, तो प्लीज़ वीडियो को देखा करें। तो चले फिर, और ऐड भी ज़रूर देखा करें क्योंकि आप लोगों को तो पता है कि आगे करने के लिए ज़रूरी है। तो चले फिर मिलते हैं नई वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज़।